हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी त्यागी आज आपके साथ अपनी इस वीडियो में नीम के तेल के बेनिफिट्स शेयर करूंगी कि अगर नीम के तेल को हम शरीर के कुछ खास हिस्सों पर लगाते हैं तो उससे हमारी स्किन को, हेयर को और हेल्थ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सभी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। नीम जो कि बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, एक ऐसा मेडिसिनल ट्री है जिसे दवाइयों में यूज़ किया जाता है, शैम्पू में, क्रीम में, सब में यूज़ किया जाता है, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और सेम ये सभी प्रॉपर्टीज़ नीम के तेल में भी पाई जाती हैं। नीम का तेल हमारी हेल्थ, स्किन और हेयर के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नीम के तेल को अगर सिर में लगाते हैं तो उससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर जो है बहुत स्ट्रांग बनते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर होती है अगर हम नीम के तेल से अपने स्कैल्प की अच्छे से मसाज करें। इसके लिए क्या करना है कि ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल आपको पसंद हो वो लें एक चम्मच, और उसमें एक चम्मच ही नीम का तेल मिक्स करें और उसे अच्छे से मिक्स करके उसे अपने स्कैल्प की मसाज करें। हमें दूसरा तेल इसलिए मिक्स करना होता है क्योंकि नीम का तेल थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए नीम के तेल में ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी आपको पसंद हो वो ऑयल मिक्स कर सकते हैं। अगर किसी को डैंड्रफ है सिर में बहुत ज़्यादा, और जब डैंड्रफ होता है तो वो कपड़ों पर भी झड़ता है और दूर से देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और डैंड्रफ भी एक बीमारी ही होती है, वो कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या किसी भी रीज़न से हो सकती है, तो उसके लिए भी नीम का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए भी ऐसे ही करना है, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लेकर उसमें सेम अमाउंट में नीम का तेल मिक्स करें और उससे फिर अपने स्कैल्प की मसाज करें, तो इससे धीरे धीरे डैंड्रफ दूर होने लगती है। बहुत बार देखा जाता है कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या गंदगी की वजह से उनके सिर में जुएं हो जाती हैं, और बहुत बार बड़ों को भी सिर में जुएं हो जाती हैं, तो उसके लिए भी नीम का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे सिर में नीम के तेल की मालिश करने से जुएं मरकर निकल जाती हैं। नीम का तेल हमारे फ्रिजी बालों को भी सॉफ्ट और स्मूथ बनाने का काम करता है। इसके लिए क्या करना है कि अपना जो शैम्पू आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें कुछ ड्रॉप्स नीम के तेल की मिलाकर उस शैम्पू को अपने बालों पर अप्लाई करें, तो इससे जो फ्रिजी हेयर होते हैं वो बहुत ही सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं। नीम का तेल स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। स्किन डिजीज़ जो अक्सर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती हैं, जैसे एक्जिमा है, खुजली है, ये प्रॉब्लम होने पर नीम के तेल को अपनी स्किन पर अप्लाई करें जहाँ भी एक्जिमा, खुजली की प्रॉब्लम है, तो इससे कुछ ही दिनों में एक्जिमा, खुजली ठीक होती है और उसकी इन्फ्लेमेशन में भी आराम मिलता है। नीम के तेल को बहुत बार पैरों के पंजों में इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को जो ज़्यादातर नंगे पैर रहते हैं या किसी भी या बहुत ज़्यादा सॉक्स पहनते हैं और अंदर नमी की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसमें अगर नीम का तेल अपने पैरों पर लगाते हैं तो उससे फंगल इन्फेक्शन दूर होता है और पंजों का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। नीम के तेल को हम फटी हुई एड़ियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फटी हुई एड़ियाँ या तो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो उस वजह से होती है या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो अपने एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के कारण नीम का तेल फटी एड़ियों को भी ठीक करने का काम करता है। इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी अपने हील पर अप्लाई कर सकते हैं या अपनी किसी क्रैक क्रीम में मिलाकर नीम के तेल को अप्लाई करें, तो इससे बहुत जल्दी ही फटी एड़ियाँ ठीक होने लगती हैं। नीम का तेल एक्ने और पिंपल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो एक्ने पिंपल्स होते हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और नीम के तेल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो अगर किसी को फेस पर एक्ने पिंपल्स हो गए हैं तो कोई भी कॉटन बड लेकर उसे नीम के तेल में डिप करें और उसे एग्जैक्ट पॉइंट पर लगाएं जहां भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो ये धीरे धीरे 3 से 4 दिन में ड्राई होकर ख़त्म हो जाते हैं एक्ने पिंपल्स। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें कि नीम का तेल यूज़ करने से पहले कि उसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये आपको इरिटेशन फील कराए, तो इसलिए अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले एक बार उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें और उसके बाद ही इसे यूज़ करें। नीम का तेल हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो और ये जो नीम का तेल है वो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है, तो इसके लिए आप
कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में नीम के तेल की कुछ ड्रॉप्स मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें और उससे फिर अपने फेस की मसाज करें और उसे पूरी रात ऐसे ही लगाकर छोड़ दें और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, चाहे तो किसी माइल्ड फेस वॉश से या नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करें, तो इससे धीरे धीरे फाइन लाइन्स और रिंकल्स रिमूव होने लगती हैं। नीम का तेल अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ये स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। इसके लिए क्या करना है, आप अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करते हैं उसमें नीम का तेल मिक्स करें और उसे फिर अपनी स्किन पर लगाएं, तो उससे स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनती है, स्किन की ड्राइनेस दूर होती है। नीम का तेल हमारे दांतों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। नीम के तेल से दांतों को सड़ने से बचाया जा सकता है। नीम का तेल ओरल कैविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए क्या करना है, एक कप पानी लें और उसमें एक चम्मच नीम का तेल मिक्स कर दें और फिर उस पानी से गरारे करें या उस पानी से कुल्ला करें और अपने मुँह में चारों तरफ उसे घुमाएं, तो इससे दांत सड़ने से बचता है, दांतों में अगर दर्द है वो दूर होता है। इस तरीके से नीम का तेल ओरल कैविटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये थे कुछ नीम के तेल से होने वाले बेनिफिट्स। आपको ये बेनिफिट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।